गाइस ये गंदा बेबी ना इतना ज्यादा रो रहा है, इसको पता है जब कोई आ जाता है ना, तो देख मेरे इंडिकेटर ऑन हो गया मेरे आज तबीयत थोड़ी लूज है तो इस वजह से थोड़े हम लेजी लेजी हो रहे हैं। क्या बात है, ऐसे तरह तरह के मुंह क्यों बना रहे, इतना गंदा है कि मैंने बोला बेटा जा थोड़ी देर रुक जा, मैं माँ के साथ कुछ करवा देती हूँ, पर इतना निकम्मा है ना, ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। कैसी शक्ल बना रहा है अब, मैंने बोला था फोन उठा ला, भी फोन भी नहीं लाया ये, वैसे फोन लेके मम्मा फोन, जब मैं बात नहीं करी। तो कैसे आज हमारे कोई आया है तो मम्मी बना दे बादाम, और मैंने मम्मी के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया, और वो तूफानी आइडिया है कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। तो रही है मेरी छोटी ब्लैक बीस्ट की, देखिए ब्लैक बीस्ट की तगड़ी हालत हो रही है, खा हुए थे वो तो दिखे ना रही। आप मैं कल से आपको देख रही हूँ, आप बस नहाने पे ही हो। हाँ ये ला रही हूँ, तो हाँ। पहले बादाम लो। तो आज हमारे हर्ष भाई आया है तो उसके लिए हम इनमें बादाम देंगे, तो वो भी सोच रहे हो भाई बस। तो अभी हर्ष भाई को पूरा पीना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं लेके आती हूँ, तो गाइस चलते हैं फिर। तो ओ माय गॉड कितने गंदे जूते हो रहे हैं, और उस गंदे चार बार धोए थे मैंने उस दिन, वे गंदे हैं। तो किसने पकड़ पकड़े भाई, इसने छोड़ दे, लड़े खड़ी है। इसमें क्या है, वही रही हो? हाँ हाँ वही है यू। तेरे क्या है, क्या हो रहा है वीर? अच्छा जा तू उतर जा, ब्लैक बीस्ट ला रहे हैं पापा, बीस्ट को ला रहे हैं, इधर ही लाएंगे, किस देख रहा है उचक उचक के, आज 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 देख दिखाएंगे दिखाएंगे। ओ माय गॉड यो क्यों हो रहा है, टूट गया है, तोड़ दिया फिर इसने खोले दूंगा मैं, सीमेंट हो गया मैं। हाँ फोन दूंगा इसने, क्यों यो टायर खराब हो रहा है, इधर हेलो इधर तरह हवा आ रहे हो, अब देख कहां कारी करो, मैं थैला दे, थैले में क्या है ले, अब देख कहां कारी कि क्या खींचोगे, पेट पाड़ेंगे। अच्छा देखते पापा देख क्या कलाकारी करेंगे, चलो देख के आएंगे पापा को, पापा क्या करेंगे। हाँ हाँ भाई ने दूर रखूंगी, पा गए, क्या कह रहे हो पापा, पापा तोड़ेंगे आगे। मान जाऊंगी पापा, पापा करेंगे, पापा रहन दो, पापा बहुत गंदे हो जाओगे, साफ कर देता हूँ, साफ ही हो। अब क्या बुला रहे बिट्टू, कबूतर उड़ा रहे कबूतर, हो जाओ शुरू। पापा झूठे सब देखे, पर आप जैसा मैंने कोई ना देखा। और इनका हाल देखो, वो सबको पता चल जाएगा, इसे देखो इसका जी जल रहा है, देवीर दादू क्या करेंगे, थोड़ा पीछा लो, मार दो झटका, अब मैं जल्दी पार कर लूंगा, पीछे बस थोड़ा पीछा और लो, बैठ बैठ, हो गया पापा, पापा ने हिम्मत हार गए पापा, अब ये करेंगे शुरू, पता नहीं पापा ना होया, वीर धक्का मार उसके, वीर धक्का मार दे, हाँ?
पीछे देखो अपने, वीर धक्का मार रहा है। बहुत तेज बारिश आ गई, अब मैं और वीर जा रहे हैं अंदर। वैसे पापा वॉश कर रहे हैं अपनी एटीवी पीछे। वीर भूखे चुपा रहे हैं। वीर को ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है तब इसके मुंह पे पानी पड़ता है। वीर मम्मा बीटू के पैर तो गंदे हैं, तो पैर वॉश करके चलेंगे। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है अपने पापा को। तो गाइस चलते हैं, फिर अब नहाएंगे, नहाई नहाई करेंगे वीर मम्मा बेटा। तो गाइस मिलते हैं फिर। वीर यो क्या, ये शर्म आ रहा है, मैंने सिर्फ ऐसे कर लिया तो इसको शर्म आ रही है, बार बार ऊपर कर रहा है। वीर देखियो अब कहाँ भाग रहा है, भाग गया शर्मा कर। मम्मा आज क्या कर रही है वीर? अरे तू क्या कह रही है? इससे पेन कॉपी चाहिए, इससे ना स्कूल में जाना, स्कूल में जाना, जा स्कूल जा, 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 जा। अभी तो इसने पढ़ाई करी थी, जा, जा। ले अपनी वाटर बॉटल भी ले जाना, वो बॉटल ले ले अपनी, बॉटल ले ले और जाओ स्कूल जाओ। चलो इधर तो नहीं बैठ। अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि वीर बहुत ज्यादा रो रहा है। मतलब तबीयत तो घर में सबकी ऐसी चल रही है, इस वजह से रेगुलर थोड़ा सा ब्लॉक भी नहीं आ पा रहे हैं। बाहर कैसे पानी भरा हुआ है, और मैं और वीर अब आए बाहर, थोड़ी देर इसको लेके आई हूँ मैं, और देखते क्या करें। बाहर में भी समझ में नहीं आता कि हम बाहर आके भी क्या करें, क्योंकि पानी भरा है, पार्क में वैसे नहीं जा सकते, और अंदर पापा को आई फ्लू भी हो रहा है, मेरी तबीयत लूज है थोड़ी सी, और सब भी बीमार हो रहे हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा वायरल चल रहा है आजकल, तो अपना ध्यान रखें, अपने घर में सभी स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गाइस मिलते हैं अब थोड़ी देर में, देखते हैं ये क्या ड्रामे करता है अब बाहर आके। इसको थोड़ा सा देखती हूँ, साइड में से घुमा के लाती हूँ। अब तो वैसे बारिश नहीं हो रही है, देखना कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया हुआ है, ये शायद घोंसला भी खराब हो गया है क्योंकि बारिश में शायद गीला हो गया ये, है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ क्या हो रहा है अब आपके, क्या चाहिए अब आपको? पूछू गोदी वीर? नहीं आप मेरे से नहीं उठाए जाते हो बेटा, चलो उधर चलो। और आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैंने अपना तीसरा दुपट्टा लिया है, जो मेरे पहले दो दुपट्टे थे पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं रखती कहाँ हूँ, मिलते ही नहीं है। फिर उसके बाद तो मम्मी मेरे दुपट्टे कहाँ गुम हो रहे हैं, सुबह से मिल ही नहीं रहे। और ऐसे ना फिर बिना दुपट्टे के अनकम्फर्टेबल सा लगता रहता है सीटों के ऊपर। ये दोनों चाचा बेटा यहाँ खड़े हैं पानी में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखना। आप लोग क्या सोच रहे थे कि वीर अंदर रहेगा? वीर डोंट गो दे बारिश, हाँ बारिश है बारिश, चलो कहाँ जाओगे आप, उसके अंदर जाओगे पागल सा? वो दोनों इतने गंदे हैं कि वीर को ना अंदर छोड़ के आ गए। वीर आपको पता है पापा और भाई ना आपको अंदर अकेले छोड़ के आ गए? हाँ मम्मा ले आई फिर बाहर। तो गाइस चलते हैं, इसका एक राउंड लगवा देती हूँ, देखना कितना ग्रीन ग्रीन सा लगता है ना तब बारिश आ जाती है। अच्छा इधर नहीं भरा पानी, ये शायद डीप में थोड़ा सा, या फिर इसकी सारी मिट्टी निकाल दी इन लोगों ने, मतलब इन लोगों ने नहीं सॉरी इन्होंने ऑफ रोडिंग कर करके, और ये शायद थोड़ा सा प्लेन और ऊपर है शायद इस वजह से पानी नहीं भरता, अदरवाइज और कोई भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों भरा है यहाँ पे पानी। एक नाम को पेड़ आम दे के हमें इतने सारे, अब बेचारा पत्ते सूखने लग गए इसके। और गाइज पता है एक और चीज़ दिखाती हूँ आज, ना देखना हमारी तुलसी में कितने सारे लगे हुए हैं, इनको ना मैं वही कलाकारी करूँगी जो मैंने सीखी है मैगी वाले डब्बे में, और जो भी कोई मुझे बॉक्स दिखेगा ना उसमें इनको डाल दूँगी मैं। हमारे पास शायद सारे पिंक और वाइट फ्लावर्स हैं, हाँ इसमें ना और ऐड कर लेंगे हम लोग। तो गाइज चलते हैं ब्राउन लगवाते हैं, इसे कितना खुश रहता है ये बाहर, और अंदर जाके ना इसका ऐसे हो जाता है कि जैसे पता नहीं किसे कितना मारा हो। यहाँ भी देख रहे हैं पाइप से पानी पानी टपक रहा है क्योंकि बारिश ही इतनी ज्यादा हो रही है। अरे मौसम, हाँ बोलो, बारिश में से क्या करते हैं? ऑफ रोडिंग, तभी तो आपने ही तो कर दिया ये। वीर नो डोंट गो, वीर नो, ऑफ रोडिंग करते हो यहाँ पे तभी तो इसमें पार्क में पानी भर जाता है। चलो वीर परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि इसे अपने पापा और भाई के पास जाना है। बेटा यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है।
अच्छा ये बताओ पार्क में इतना पानी क्यों भर जाता है और वहाँ पे क्यों नहीं भरता? पार्क में निकलने की जगह ये ही है। नहीं पानी क्यों भर जाता है यहाँ पे? अरे निकलने की जगह एक ही है। अच्छा पानी निकलने की। ओके वी नो। और उधर ज्यादा जगह होगी शायद पानी निकलने की। यहाँ पे पानी निकलने की जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे पानी भर जाता है। और ये मैं इसे अपना आज चल हाथ पकड़ ले, ये मेरा हाथ ही नहीं पकड़ रहा, इसको अकेले जाना है। ये आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है लड़का, ये सुधारना पड़ेगा। क्या है वीर? चाबी? जनरेटर चल रहा है बेटा। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। क्या ट्रैक्टर नहीं है ये? मतलब हाँ वो ट्रैक्टर में भी सेम इंजन रहता है शायद बेटा, तभी ऐसी आवाज आ रही है। वीर गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, चींटी मर गई, कोई नहीं। चलो देखना गाइज हमारे कबूतर भी बारिश में सो रहे हैं, ये भी अच्छा अच्छा मजे ले रहे हैं। क्या हुआ वीर? अंदर चले देखना कितना टाइट पकड़ ले इसे। गाड़ी क्या? गाड़ी में बैठना है बेटा पूरा दिन। चलो अंदर चले अब। यस चलो अंदर चले प्लीज। अंदर जाने के नाम से ना इसकी पता नहीं क्या हो जाता है, इसका मन ही नहीं करता। मैं इसे बाहर कब तक लेके खड़ी रहूँ? तो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। खुद ही खुद कैसे भाग रहा है, मतलब इसे अंदर नहीं जाना, बस यहाँ पे घूमते रहना है। ये सही वर्कआउट करवा देता है मेरा। यहाँ पे इतना फिसलन क्यों है? ये फिसल जाएगा क्योंकि पानी की वजह से ना काई जमी हुई है। वीर चलो अंदर, वीर चलो। देखना इसके ड्रामे कैसे चल रहा है, मतलब कोई बच्चा और भी है क्या ऐसा? गाइस कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी और का बच्चा भी ऐसा ही है तो, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ना अलग लगता है, पागल था। मतलब ऐसा लगता है मुझे जैसे ये इतना, मतलब इतना कहाँ से दिमाग आ जाता है इसमें, मुझे समझ नहीं आता। देखना गिरेगा। अपने पापा को बुला रहे वीर, अब बोल पापा। अच्छा भाई भी है। तो गाइस देखो मैंने इसे गोदी में उठा के दिखाया। मैं वीर पापा कहाँ है? भाई, भाई अंदर है। भाई को अंदर बुलाते हैं कि भाई अंदर आ जाओ, ईशांत अंदर आओ, वीर बुला रहे हैं। इतना बेचैन होता है भाई के लिए, देखना कितना ज्यादा वो हो रहा है। वीर आ रहा है बेटा, भाई ये आ गया। चलो अब देखना इसे, बस इसका वेट था कि अब अंदर चलो। वीर ईशांत आप अंदर आ जाओ। वीर देख ईशांत अंदर जा रहा है, आओ आओ। ईशांत आप आ जाओ, मैं ईशांत की मम्मा बनूंगी, मैं तो ईशांत की मम्मा हूं। वीर नो नो, मैं ईशांत की मम्मा हूं, आराम से। चलो अब चलो अंदर ना, चलो ईशांत आप आ जाओ, वीर को बाहर रहने दे। चलो बाय वीर, बाय। चलो ईशांत आ जाओ अंदर, वीर आप बाहर रहो, आ जाओ। तो आओ आओ, नो अंदर आओ।